आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 से संबंधित है, जो ये लोक सेवक के बारे में बताती है। यह केस था RS नायक वर्सेस AR अंतुले, जो 1984 का केस था। इस केस में न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न था कि क्या विधानसभा सदस्य लोक सेवक है या नहीं। वाद के तथ्य थे, यानी फैक्ट इन इशू। प्रत्यर्थी था अब्दुल रहमान अंतुले, सन 1980 से 12/1 1982 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। दिनांक 12/1 1982 को उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया, यानी इस्तीफा दे दिया, जो 20/1 1982 को स्वीकार किया गया। दिनांक 20/1 1982 से वे मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे, लेकिन विधानसभा सदस्य के रूप में बने रहे। वो मुख्यमंत्री नहीं थे, बट वो विधानसभा सदस्य के रूप में थे। इसमें परिवादी RS नायक ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अंतुले के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 161, 165, 384, 420, 109, 120 खा तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5 के अंतर्गत एक परिवाद पेश किया था। इसमें अलग से एक एक्ट लगा दिया गया था। परिवाद के संहरण के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 6 कहती है कि राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है जब कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है। परिवाद ने इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 1/9/1985 को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया। इस दौरान मजिस्ट्रेट ने राज्यपाल की स्वीकृति के अभाव में दिनांक 6/10/1985 को यह आदेश दिया कि परिवाद भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 420, 109, 120 खा के लिए संधारण योग्य है, लेकिन अन्य के लिए जो धाराएं लगाई गई थी उसके अलावा उसके लिए नहीं है। परिवाद ने इस आदेश के को बम्बई उच्च न्यायालय के मध्य, मतलब परिवादी ने उच्च न्यायालय में, बम्बई का जो उच्च न्यायालय था उसमें अपील की। इसी बीच एक और घटना घट गई थी। महाराष्ट्र में सीमेंट आवंटन घोटाले को लेकर पीवी सामंत ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक विशेष परिवाद पेश किया, जिसकी परिणति दिनांक 20/1982 को AR अंतुले द्वारा मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देने के रूप में हुई थी। जब मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया गया उसी समय यह एक और घटना घटी थी, सीमेंट घोटाला। इसी घटना चक्र के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा अभियोजन के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस पर परिवादी ने विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में एक नया परिवाद पेश किया। परिवाद में अभियुक्त पर सीमेंट आवंटन में घोटाले तथा अवैध परिपोषण, यानी कि घोष, जो घोष होता है ना, ड्राइवरी का केस इसमें आ गया था, आदि कई आरोप लगाए गए। विशेष न्यायाधीश ने आरोपित आरोपों का संज्ञान लेकर अभियुक्त को 10,000 रुपये के जमानती वारंट से तलब किया। वह एक जमानती वारंट इशू कर दिया जो 10,000 रुपये का था फाइन के साथ। अभियुक्त की ओर से अपने आरोपित आरोप के विरुद्ध कई प्रार्थना पत्र आदि पेश किए गए। दिनांक 8/7/1983 को अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय से पेश किया गया कि जिस दिन उसके विरुद्ध संज्ञान लिया गया था वह एक विधानसभा सदस्य के रूप में था। ऐसे मामले में अभियोजन हेतु स्वीकृति राज्यपाल से न ली जाकर विधानसभा से ली जानी चाहिए, वह ट्रायल कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र द्वारा किया गया था। अभियुक्त ने अपने आप को MLA के रूप में, यानी विधायक में एक लोक सेवक बताया। इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश RB सूले द्वारा की गई थी। उन विशेष न्यायाधीश थे RB सूले, उनके द्वारा आगे की प्रोसेस की गई थी, जिन्होंने अभियुक्त को लोक सेवक मानते हुए उनको डिस्चार्ज कर दिया था। जो जिन्होंने कहा मुख्य न्यायाधीश जो थे विशेष न्यायाधीश, उन्होंने लोक सेवक बताया, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय में अपील की गई थी। उच्चतम न्यायालय
का निर्णय न्यायमूर्ति डी ए देसाई, आर एस पाठक, ओ चिनप्पा रेड्डी, ए पी सेन एवं बालकृष्ण रेड्डी द्वारा किया गया। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के खंड 3, 7 एवं 12 पर विचार किया। अब यह धारा की खंड 3, 7 और 12 क्या कहती है, आइए देखते हैं। इस प्रकार से लोकसभा की व्याख्या का निर्धारण मार्ग 3 निर्धारित है। पहला, किसी न्याय निर्णय के कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार होना। दूसरा, किसी व्यक्ति को परिरोधित करने अथवा रखने के लिए सशक्त होना। सरकारी सेवा में होना या उससे वेतन आदि प्राप्त करना। जहाँ तक प्रथम मार्ग का प्रश्न है, विधायक द्वारा विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया जाना अथवा सदन के अवमान की कार्यवाही में भाग लेना और मत देना आज संवैधानिक कर्तव्य है। इन्हें लोक सेवा गठित करने वाले न्याय निर्णय के कर्तव्यों की संज्ञा नहीं दी जाती, अतः इन्हें लोक सेवा नहीं होगा। जहाँ तक दूसरे मानक का प्रश्न है, विधायक एक निकाय के रूप में किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार भंग अथवा सदन के अपमान के लिए दोषी ठहराकर उसे कारावास की सजा देते हैं, अतः कोई विधायक इस उपधारा की परिधि में नहीं आता। मतलब विधायक जो है लोक सेवक नहीं है। यहाँ तक तीसरे मानक का प्रश्न है, वह व्यक्ति जो सरकारी सेवा में हो या सरकार से वेतन प्राप्त करता हो लोक सेवक की परिधि में आता है। विधायक इस मानक के अंतर्गत नहीं आता, वह ना तो सरकारी सेवा में होता है और ना ही सरकार से वेतन प्राप्त करता है। राज्य के तीन अंग माने जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये तीनों अलग अलग निकाय हैं। यहाँ सरकार से अपना कार्यपालिका से है, विधायिका से नहीं है। विधायक संविधान द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वाह करता है और उसी के अधीन पारिश्रमिक भी पाता है, अतः विधायक जो है वो लोक सेवक नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी जो था, जो प्लेंटिफ था, उसकी अपील स्वीकार की गई। इसमें विधि का एक सिद्धांत था। इस प्रकरण में विधि का महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि विधायक जो होता है वो लोक सेवक नहीं होता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।